आपको बताते चलें कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत दो आज़ाद ममलिकतों की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे और साथ ही तरीके इस दौर में फिल्में बनने का नया सिलसिला शुरू हो गया। इससे कबल हॉलीवुड में पहली और दूसरी जंग अजीम से मुतलक फिल्में सिनेमाघरों की जिनत हुआ करती थी, लेकिन 1947 में तकसीम हिंद के बाद फिल्म इंडस्ट्री को एक और मौजू मिल गया था। न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि बरतानवी फिल्म इंडस्ट्री और ख़ुद बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्री ने भी तकसीम के वक्त के हालात और वाक़ात पर फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों में इस वक्त के दौर के सियासी हालात के अलावा हिंदुस्तान से हिजरत के दौरान बिछड़ जाने वाले ख़ानदानों और भारत में रहने को तरजीह देने वाले मुस्लिम घरानों की कहानियाँ बयान की गई हैं। तकसीम हिंद पर बनने वाली फिल्मों में जहाँ जिना पार्टीशन और भवानी जंक्शन जैसी फिल्में नमाया हैं, तो वहीं बॉलीवुड के धर्मपुत्रा, छलियाँ और गर्म हवा को भी फिल्म बिनू ने बहुत पसंद किया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा लॉलीवुड में भी पाक भारत आज़ादी की कहानी पर मबनी कई फिल्में और ड्रामे बनाए गए हैं। लॉलीवुड में फिल्म बहन भाई और लाखों में एक जैसी कामयाब फिल्में सिनेमाघरों की जन्नत बनी हैं। मजीद इंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाह जोक इंटरटेनमेंट।